हेलो आइडियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अंजीव सिंह एकेडमी तो स्वागत है आप सभी का जैसे कि आज क्लास टेंथ के आईटी 402 का एग्ज़ाम हुआ है और आप सभी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी आंसर की आए और अंजीव सर का आंसर की मतलब एक ऑथेंटिक आंसर की की बात कर रहा हूँ जो टेस्टेड आंसर की होगा और मैं एक चीज़ इंश्योर करूँ आपको जैसा कि मैं सुन रहा हूँ काफ़ी सारे ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा है जो आउट ऑफ सिलेबस थे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके टेक्स्ट बुक यानी कि सी और एन का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर ही दिया गया था और इवन मेरे साइट पे भी उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत तरह क्वेश्चन हैं जिसका सॉल्यूशन मेरे साइट्स पर भी अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अगर आपने मेरा परचेस किया था तो वहाँ भी ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा चलिए इंतजार नहीं करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि आज का क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व किया और सेट किया था जैसे ऑल ओवर इंडिया का सेट मुझे यही देखने को मिला है सी सीरीज है और सेट फोर कोड नंबर नाइन और इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पचास नंबर के पेपर थे और दो घंटे के अंदर एग्जाम करना था कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि इससे अभी कोई ज्यादा मतलब बनता नहीं है अब आते हैं हम सीधे सोल्यूशन की बात करते हैं और सबसे पहले हम सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर हम आ जाएंगे सेक्शन बी के ऊपर जहाँ पर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन पेपर था पहले एक नज़र में क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूं कि आखिर यह क्वेश्चन पेपर क्या था आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार ओवरव्यू कर लीजिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपको लगा आपके आंसर क्या होंगे ठीक है तो इसका हम सॉल्यूशन भी आपको दिखाते हैं एक बार मैं फटाफट इसे स्क्रॉल कर देता हूं तेजी में कि आपको ये ऑथेंटिक हो जाए कि मैं उसी क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं जो आपने आज एग्जाम में सॉल्व करके आप आए होंगे तो ठीक है तो ये क्वेश्चन पेपर कंफर्मेशन आपका हो चुका है चलिए मैं आपको सॉल्यूशन वाले पेज पे लेके चलता हूं सीधा सॉल्यूशन में मैंने कोशिश किया कि सारे क्वेश्चंस को मैंने टाइप कर ही दिए हैं तो क्वेश्चंस दोबारा वहां से देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था इंप्लायटी स्किल का क्वेश्चन था जिसमें सिक्स क्वेश्चन दिए गए थे उसमें से चार का आंसर करना था सबसे पहला क्वेश्चन इसका वेरी इजिएस्ट क्वेश्चन सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन था ये कि फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन के बीच में कौन सा सिंबल होता है जो उसे सेपरेट करता है तो आप सभी को याद है जैसे अभी ये पीडीएफ भी आप देख पा रहे हो तो यहां पर आंसर की डॉट पीडीएफ लिखा हुआ है आप डॉक राइटर की फाइल ओडीटी एक्सटेंशन होता था हमारा पीडीएफ एक्सटेंशन होता है जेपीजी एक्सटेंशन होता है तो उन सबके बीच में जो सेपरेटर का काम कर रहा है वो ऑप्शन बी आपका एक सही जवाब है इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इंटरचेंजिंग मैसेजेज ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर तो देख के समझ में आ रहा है भाई इमेज और पिक्चर की बात हो रहा है तो इमेज और पिक्चर क्या होता है एक विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है तो इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी विजुअल कम्युनिकेशंस का ये हमारा पार्ट होता है डैश इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज ऑन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है डैश इज द ड्राइविंग फोर्स डैश इज द ड्राइविंग फोर्स दैट अस टू अचीव आवर गोल्स फील हैपी एंड इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डेफिनेटली यहां कहां से आएगा यह चीज तो सेल्फ मोटिवेशन से आएगा जब आप मोटिवेट हो गए तभी आपके अंदर ये सारी क्वालिटी आ सकती है तो ऑप्शन क्या बना इसका ऑप्शन डी सेल्फ मोटिवेशन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर एंटरप्रेनर बनने के लिए इसमें से कौन सा क्वालिटी नहीं है कॉन्फिडेंस एक इसेंशियल क्वालिटी में आती है क्रिएटिविटी एक क्वालिटी में आती है एक क्वालिटी में आती है अगर एक बंदे के अंदर में ये तीन क्वालिटी हो कॉन्फिडेंस क्रिएटिविटी और पैसेंस तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बन सकता है तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है वेल्दी एक एंटरप्रेनर को धनी होने की जरूरत नहीं है उसको पैसे वाले होने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एंटरप्रेनर को वो कैपिटल अरेंज किया जा सकता है ठीक है इन टोटल हाउ मनी एस टीजी वे आर एडॉप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशन इन टू थाउजेंड फिफ्टी एज एवर्सल कॉल टू एक्शन एंड पॉवर्टी प्रोटेक्ट द प्लान एंड एनश्योर दट द टू थाउजें थर्टी ऑल पीपल इन्जॉय पीस एंड प्रॉस्परिटी तो टोटल सेवनटीन एस टी जी गोल हैं ये तो काफी फेमस एस टी जी सेवनटीन गोल्स के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी तो ये कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन थे अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक की और सब्जेक्टिव स्किल्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू से लेके अब जितने भी क्वेश्चन अभी आप देखेंगे सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन छोड़ के वो सारे आपके टेक्स्ट बुक यानी कि पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से पूछे गए थे और काफी सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउ वन टू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम इसका सही जवाब होता है स्टाइल हम स्टाइल यूज करते हैं इसको अप्लाई करने के लिए यहां पे स्टाइल्स लिखा जाना चाहिए ऑप्शन में मैंने बी लिखा ही है हा ऑप्शन

गोरब इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन राइटर द इमेज गेट्स इम्बेडेड इन इज डॉक्यूमेंट वेन एवर द ही ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज एंड द डॉकूमेंट साइज इंक्रीजेस क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसके अंदर में आ जाता है तो साइज इंक्रीज हो जाता है बट हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या है सजेस्ट अ वे टू लिंक द इमेज फाइल इन ऑफ इम्बेडिंग मतलब हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं इम्बेड नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको कंट्रोल एंड सिफ्टी को होल्ड डाउन करके उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे अगर अपने फाइल के अंदर में तो इमेज का साइज फाइल का साइज इंक्रीज नहीं होगा बट ऐसे केस में वो इमेज आपके फाइल के साथ होना चाहिए अदरवाइज वो इमेज आपको दिखाई

इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ऑन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं तो हम दो तरीके से अपने टैंपलेट को क्रिएट कर सकते हैं इन राइटर फंक्शन की डेटा बेस वाइल इंप्लीमेंटिंग मेलमर्स तो उसके लिए शॉर्टकट कीज होता है हमारा एफ फोर एफ फोर से हम इस ऑप्शन को लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आ चुके हैं फाइव आउट ऑफ गिवेन सिक्स क्वेश्चन किस ऑप्शन से हम कर सकते हैं यहां पे डैश की मिसिंग है क्वेश्चंस को मैं सही कर लूंगा तो वो हमारा होता है डिफाइन रेंज ऑप्शन बी आंसर बनेगा यहां पे। कवल एंड हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन ए स्प्रेडशीट फॉर एंटरिंग डेटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। दे विश टू अ ट्रैक ऑफ चेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प इन नोइंग मेड द चेंजेस एंड वट चेंजेस वे आर डन इन द स्प्रेड सेट तो इसके लिए चेंजेस को हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं जब आप रिकॉर्ड करोगे तभी आपको वो चेंजेस दिखेंगे आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चेंजेस हुआ था डैस इज अ मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ द गोल सेक तो उसके लिए गोल सेक का जो एडवांस फॉर्म होता है उसे ही हम सोलव्वर कहते हैं ठीक है डेटाबेस रिपोर्ट हाइपरलिंक देख के देखो ना कितना इजीएस्ट क्वेश्चन है ये ऑप्शन मैच ही नहीं करता है डेटाबेस रिपोर्ट हाइपरलिंक का क्या है गोल के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है तो आंसर क्या बनेगा यहां पे सॉल्वर बनेगा आई होप आपने बिल्कुल सही आंसर किए होंगे मैक्रो फंक्शंस कैन बी रिटर्न टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस बाय राइटिंग डैश तो उसके लिए एड इन बनाया जाता है मैक्रो फंक्शन बनाने के लिए ठीक है इसके बाद बात आती है ऑप्शन ऑफ डैश डैश ऑप्शन अब यहां पे मैं डैश लिखना भूल गया हूं तो यहां पे डैश ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प्स इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू अ वर्कशीट यूजिंग ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट तो इसके लिए एडिट कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन हमें मिलता है ठीक है कंपेयर करके आप चेंजेस जैसे आपने रिकॉर्ड चेंज किया तो उसके बाद आप कंपेयर करके वेरीफाई कर सकते हो कि ओरिजिनल डाटा क्या था और आप चेंजेस क्या क्या हुए इन अ कैल्क सेड वर्क अलाउ क्या अलाउ करता है एडिंग टेक्स्ट क्योंकि जब आप शेयर कर देते हो तो मर्जिंग सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंसर्टिंग पिक्चर ग्राफ एक्सेट्रा नहीं हो सकता है बिल्कुल सेम लाइन बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल सेम लाइन दिया गया है तो यहां पे ये एडिंग टेस्ट जो है वो बुक के अंदर में नहीं दिया हुआ है और ये बाकी तीन ऑप्शन वहां दिख रहे हैं तो मतलब चौथा ही ऑप्शन इसका आंसर होगा जो बच्चे अभी एग्जाम दे चुके हैं तो वो तो चलो आंसर की मिला रहे हैं लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है वो यहाँ से मोटिवेट हो सकते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि क्या मटेरियल हमें पढ़ना है और क्या मटेरियल हमें नहीं पढ़ना है मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि एन की बुक के लिए किसी पब्लिशर की बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है आप एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करें और एनसीईआरटी सीबीएसई स्टडी मटेरियल को प्रेफर करें और मेरे जैसे कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट बना रखा है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन मिलेंगे आप उन क्वेश्चंस को देखें और फ्री में अपनी पढ़ाई करें और आप इससे कलेक्ट करें जस्ट पढ़ने की जरूरत है आपको और वीडियो भी देख सकते हो मेरा एंसर एनी फाइव आउट ऑफ द गिवन सिक्स क्वेश्चन इन ओपन ऑफिस बेस द रिलेशनशिप अपलाइड ऑन द टेबल्स कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ द ड ऑप्शन तो उसके लिए हमारे पास डिलीट ऑप्शन होता है उसके लिए हम एस सी की अरेज करने के लिए डीएससी यूज होता है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए डैश इज ए न्यूमरिक डेटा टाइप विच कैन स्टोर ये टाइप वेलू इन फॉर्म ऑफ द जीरो एन वन ओपन ऑफिस बेस टेबल तो वो हमारा ऑप्शन होता है बुलियन बुलियन में हम डेटा को जीरो वन के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जीरो और मोर रोज फ्राम वन और मोर डेटा बेस तो उसके लिए हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम क्वेरी करते हैं और रिकॉर्ड को रिट्राइव करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड रिट्राइविंग की बात हो रही है अपडेट से रिकॉर्ड अपडेट होता है डिलीट से रिकॉर्ड डिलीट होता है डिस्प्ले करके कोई कमांड हमारे पास अवेलेबल नहीं है सिक्वल के अंदर में नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का रोशनी हैज क्रिएटेडेबल कस्टमर

लोगों को कन्फ्यूज मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि ऐसे साल दो साल पहले वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप टेक्स्ट वैर कैर होता है और वो काफी सारा लोगों ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे नहीं ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं ऐसा नहीं तो वहां पर बात आई थी कि जब टेक्स्ट बुक में बिल्कुल यही लाइन लिखा हुआ है तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ क्यों मूव कर रहे हो आंसर एनी फाइव आउट ऑफ द गिवन सिक्स क्वेश्चन इज अशन स्टाइल वेबसाइट एस का मिसिंग है डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर टू द एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी यूज फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज उसे हम ब्लॉग कहते हैं ब्लॉक का डेफिनेशन है ध्यान से समझना यह ब्लॉक का डेफिनेशन है नतासा वर्कस टू एज अ फ्लोर मैनेजर सी हैज़ बिन असाइन टू टास्क फॉर कंडक्टिंग रेगुलर टू इन्श्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ इन केस ऑफ एनी डिजास्टर इमरजेंसी बाई इवेकेटिंग द प्लेस ऑफ डेंजर तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना चाहिए तो इवैकेशन ड्रील होनी चाहिए सो दैट कि इमरजेंसी के केस में आप कम से कम समय में उस बिल्डिंग से बाहर निकल सकें डैश इन असेसिबिलिटी फीचर्स दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस सीरियल की यूज किया जाता है इसके लिए ठीक है ये सीरियल की का डेफिनेशन है सीरियल की जहां पे आपका चैप्टर में स्टार्ट हो रहा था उसका पहला पैराग्राफ का लाइन है यहां से नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस तो वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में ही हो सकता है सेंट्रल पीयर टू पीयर में क्या होता है आप डायरेक्ट अपने फ्रेंड से फ्रेंड से बात कर रहे हो तो दोनों का सेम वेटेज होता है मतलब ये वन टू वन कम्युनिकेशन जैसा हो जाता है तो सबको सेम वेटेज दिया जाता है ठीक है डैश आर द टेक्स्ट फाइल विथ स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड उसे हम कुकीज कहते हैं मॉडर्न कुछ आपको पता है इंटरनेट के यूज में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग कंसेप्ट एंटीवायरस एक अलग तो ऑप्शन क्या बचा यहाँ यहां कुकीज कोई और ऑप्शन है ही नहीं डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहा जाता है इसे चलिए हम पहुंच चुके हैं सेक्शन बी पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेक्शन बी नहीं लिखा हुआ है कोई नहीं एक काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी में काम किया गया है क्योंकि दिन भर मुझे टाइम मिला नहीं है मैं अपने किसी और काम में बिजी था फिर कुछ घर के काम आ गए तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन नहीं बना पाया जबकि मेरे अंदर काफ़ी बेचैनी हो रही थी मेरे पास क्वेश्चन पेपर एक बजे के आसपास मेरे हाथ में आ गया था दो एक बजे के आसपास नहीं दो बजे मैंने अरेंज कर लिया था स्टूडेंट से ले लिया था पेपर बट स्टिल मैं आपका सॉल्यूशन नहीं बना पाया था उस टाइम पर बट मेरा मानना था कि सॉलूशन देना है तो जल्दीबाजी नहीं देना है

करने थे ये क्वेश्चंस ठीक है तो मैं चलो इस इंस्ट्रक्शंस को मैंने लिखा नहीं था कोई नहीं मैं इसका फाइनल आंसर डालूंगा तो आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर सिंह हाउ कैन द कल्चरल डिफरेंसेस बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखो कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि आप आपका कल्चर अलग है मेरा कल्चर अलग है तो मैं जिस चीज को मान लो मैं किसी सामान को किसी एक नाम से बुलाता हूँ और आप उसी सामान को किसी और नाम से बुलाओगे तो डेफिनेटली हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो कल्चर बेरियर इज वेन पीपल ऑफ़ डिफरेंट कल्चर्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इच अदर कस्टम्स रिजल्टिंग इन इनकन्वीनजियंस एंड डिफिकल्टीज पीपल समटाइम मेक अ स्टोरी टाइप टिपिकल एजम्शंस स्टोरी स्टीरियो सॉरी स्टीरियो टिपकल एजम्पशन अबाउट अदर बेस्ड ऑन देयर कल्चरल बैकग्राउंड दिस लीड्स टू डिफरेंस इन ओपिनियंस एंड कैन बी द मेजर बेरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ गए एक्सप्लेन एनी टू मिसकसेप्शन अबाउट एंटरप्रिनरशिप

ठीक है तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया था कि किसी ने कार का गणेश या गौरव था वो कार का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसने क्या किया भाई उसने एक आइडिया निकाला कि मैं ऐसा करता हूं मैं कार का बिजनेस तो चलाऊंगा बट मैं लग्जरियस कार का बिजनेस चलाऊंगा तो उसने पहले दो कार भाड़े के किराए के कार से स्टार्ट किया बाद में उसके पास सौ डेढ़ कार हो गए तो ये एग्जाम्पल है और नी यू हैव यू कैन बोरोके पास है और कितना आप बोरो कर सकते हो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो ऐसा एक मिसक है कि भाई स्टार्टअप करना है तो बहुत पैसा हमारे पास होना चाहिए क्वेश्चन नंबर एट कहता है द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इन ऑर्डर टू सक्सेड इन लाइफ तो टाइम मैनेजमेंट एक एबिलिटी है जो प्लान एंड कंट्रोल करती है कि आप कैसे अपने समय और दिन को व्यतीत करते हो अपने हिसाब से इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं कि आपका टास्क यहाँ से टाइम पे कंप्लीट होगा आप डेली टाइम टेबल बना सकते हो आप एक गुड गेस्ट कर सकते हो मेक अ गुड गेस्ट एट हाउ लॉन्ग इट रेट टू डू समथिंग सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट आपको टाइम पे करना चाहिए टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए तो इसके कुछ अपने इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस हैं वेरी ऑफन वी हीयर नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वेरी ऑफन वी हीयर अबाउट स्पैम मेल्स एक्सप्लेन द एक्सप्ल मेल्स और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए तो स्पैम क्या होता है जब आपके पास कुछ अनवॉन्टेड मेल्स आते हैं गेटिंग मेल्स फ्रॉम द कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपने वेबसाइट्स के थ्रू तो ऐसे मेल को हम स्पैम मेल कहते हैं विस उड नेवर रिस्पोंड हमें क्या नहीं करना चाहिए हमें स्पैम मेल को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे हमें उसके साथ फिल्टर लगाना चाहिए जनरली सभी मेल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ये फैसिलिटी मिलती

आंसर एनी फोर आउट ऑफ गिवन सिक्स क्वेश्चन इन ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स ठीक है इट द मेन स्टेप्स टू ग्रुप ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स इन राइटर तो ग्रुप फॉर द ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए होल्ड डॉन दिफ्ट की सेलेक्ट द अदर यू वॉन्ट टू इक्लूड इन द ग्रुप बॉन्डिंग बॉक्स एक्सपेंड हो जाएगा इंक्लूड दल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विद्जेट सेलेक्टेड होवर द माउस पॉइंट और ओवर दम ऑब्जेक्ट्स चूज फॉरमेट ग्रुप ग्रुप फ्रॉम द मेनू बार और राइट क्लिक एंड चूज ग्रुप एंड ग्रुप फ्रॉम द पॉपअप मेनू दोनों ऑप्शन है या तो फॉर्मेट मेन्यू से आप कर सकते हो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर में ग्रुप ऑप्शन मिलेगा या आप राइट क्लिक करके

डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन लैन एंड वैन की बात करें तो इसका डिफरेंस लैन का फुल फॉर्म बता दो लोकल एरिया नेटवर्क वैन का बता दो वाइड एरिया नेटवर्क लैन फास्टर होता है वैन स्लोर होता है लैन स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है वैन वाइडर डिस्टेंस के लिए होता है आपके लैब में कंप्यूटर लैब में एक बिल्डिंग में एक ऑफिस में एक जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम लैन कहते हैं जब आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं यूट्यूब के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम मैं दिल्ली बैठे किसी लोगों से कनेक्ट हो रहा हूँ किसी विदेश वाले से कनेक्ट हो रहा हूँ लंदन बैठे से तो वो हमारा क्या बन जाता है वैन बन जाता है एक्स बताना पड़ता है और साथ के साथ वो सेल का रेफरेंस बताना पड़ता है ध्यान रखना है सीट के नाम और सेल रेफरेंस के बीच में डॉट सिंबल आता है दे आर सेटेड बाई द डॉट ओके अच्छा I forget to write the answer of of two two questions here. benefits creating relationship between tables in a database. तो इसके दो आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं कोई नहीं ये मैं कर दूंगा इसका तो ठीक है तो दो बेनिफिट्स of रिलेशनशिप establish करने का हमारा benefits क्या होता है तो पहला बेनिफिट्स होता है ये कि आप डेटाबेस के साथ दो टेबल अगर आप रिलेट कर दोगे तो आपका इंफॉर्मेश्स रिपिटेशन खत्म हो जाएगा रेडेंसी खत्म हो जाता है यहाँ पे अगर डिटेल इंफॉर्मेशन रखा हुआ और यहाँ पे हम उसके डिटेल इंफॉर्मेशन को ना रखे हम उसके कोड को रखते हैं और उसके थ्रू हम डिटेल इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर देते हैं तो एक तो डेटा कंप्लेक्सिटीज खत्म हो जाती है और रेडेंसी ऑफ डेटा हमारा कम हो जाता है बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में फायर सेफ्टी रूल्स के बारे में बताना है कि फायर सेफ्टी एक्सटेंजर लगा होना चाहिए फायर सेफ्टी अलार्म लगा होना चाहिए हमारे ऑफिस के अंदर बिल्डिंग के अंदर में तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ठीक है आंसर एनी थ्री आउट ऑफ द गिवन फाइव क्वेश्चन इन फिफ्टी टू एटी वर्ड्स वट इज द कंसेप्ट ऑफ द मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो गिव एनी टू मेजर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मेल मर्ज तो मेल मर्ज क्या है इज अ वे टू टेक अ लेटर यू हैव रिटर्न एंड सेंड इट टू द होल बंच ऑफ द पीपल जब आप बहुत सारे लोगों को एक ही डाटा भेजना चाहते हो मेल करना चाहते हो तो वी आर यूजिंग द मेल मर्ज ओके पर्सनलाइजिंग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट देम सो दे माइट थिंक द सेम इंफॉर्मेशन टाइप फॉर हिम्स मेल आल्सो बी क्विक वे टू टेक ऑफ मेलिंग एड्रेस एंड तो हम ये भी काम करते हैं इसके अपने कुछ एडवांटेज हैंड से लार्ज नंबर फॉर दिस्टेंट सेम मैसेज बार बार हम नहीं टाइप करते हैं हमें प्रोफरीट करने की जरूरत नहीं होती है हम एक ही बार प्रोफरीट करते हैं इकोनॉमिकल होता है लॉट ऑफ टाइम हम सेव कर पाते हैं फास्टेस्ट वे टू होता है हंड्रेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने के लिए चलिए एक्सप्लेन एनी फोर टाइप्स होता है स्प्रेडीट्स तो हाइपर लिंक फोर टाइप्स का क्या होता है एक हमारा इंटरनेट हाइपर लिंक होता है जो किसी वेब एड्रेस को पॉइंट करता है एस टी पी से स्टार्ट होगा मेल एंड न्यूज टाइप के हाइपर लिंक होते हैं जो ई मेल मैसेजेस को ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप के हाइपर लिंक होते हैं जो किसी करंट वर्कशीट से हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट्स मतलब एक नया डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं तो ये हमारे चार तरह के हाइपर लिंक होते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी इज द प्राइम कंसर्न नाउ एड इज यूजिंग अ स्ट्रॉग पासवर्ड कैन लोअर रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच ऑन द इंटरनेट हिमांसी जस्ट हैव क्रिएटेड हर फर्स्ट इंटरनेट बेस अकाउंट हेल्प अप टू गिव इन द फोर जनरल गाइडलाइंस टू मैनेजिंग अ स्ट्रॉग पासवर्ड तो जनरल गाइडलाइंस स्ट्रॉग पासवर्ड के लिए क्या होता है कि पासवर्ड मस्ट बी ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ अपर लोअर एंड डिजिट एंड स्पेशल सिंबल सिक्स टू एट कैरेक्टर्स लॉन्ग्स होने चाहिए नेम ऑफ़ फैमिली फ्रेंड्स पेट्स नहीं होने चाहिए कोई डिक्शनरी वर्ड्स नहीं होने चाहिए डेट ऑफ बर्थ नहीं होने चाहिए कुछ ईयर नहीं होने चाहिए कुछ ऐसी चीज नहीं हो जिसको आसानी से गेस किया जा सके इन कंटेस्ट ऑफ द ओपन ऑफिस बेस Explain the concept and significance of the following forms, reports. The forms provide the user the systematic way of storing information into database. It is an interface in a user-specified layout that lets user to view, enter, and change data directly in a database object, such as tables. Reports Report helps to display the data in a summarized manner. It used to generate the overall work outcome in a clear format. Report helps to get report helps. टू गेट द सनराइज डेटा ये हमारा रिपोर्ट का होता है नाव क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हुए हैं कंसिडर द टेबल प्रोडक्ट एंड राइट द सिक्वल क्वेरीज टेबल मैंने यहाँ पे नहीं बनाया बट मैं डायरेक्ट क्वेरी दिखा रहा हूँ टू डिप्प्ले द नेम ऑफ़ द ऑल प्रोडक्ट हुटेगरी इज डोमेस्टिक तो इसका सोल्यूशन बनेगा सेलेक्ट पी नेम कॉमा प्रोडक्ट यहाँ पे कॉमा मिसिंग है ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पे कॉमा डालना है प्लीज प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी सॉरी सेलेक्ट पी नेम फ्राम प्रोडक्ट सॉरी टेबल का नाम प्रोडक्ट था तो यहाँ पे फ्रॉम मिसिंग है from product where चलो मैं इसको साथ के साथ करेक्ट कर देता हूं ये पीडीएफ वर्ड फाइल में अभी मैं इसका जूम साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको ये दिख भी जाएगा ठीक है कहाँ पे हैं हम सबसे लास्ट क्वेश्चंस पे 21 क्वेश्चंस पे ना आ जाओ हां तो ये सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट होगा ठीक है फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इक्वल टू डोमेस्टिक टेबल आपको दिखना है तो टेबल भी दिखा देता हूं मैं टेबल क्या था उसका तो एक बार मैं नीचे की ओर ले चलता हूँ इसमें टेबल आपका जो देख लेते हैं हम कैसा टेबल था हमारे पास ये टेबल है ठीक है तो यहाँ पे आपको वो दिखाना था मैं आंसर समझ गया तो ये टेबल भी दिख गया आपका चलो आंसर पे डिस्कस कर लेते हैं ज्यादा जल्दी हो जाएगा हमारा काम उसके बाद सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस क्वांटिटी इज लेस देन 50 तो सेलेक्ट पी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर क्वांटिटी लेस देन फिफ्टी उसके बाद कहता है कि डिस्प्ले प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप तो क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप क्या है प्रोडक्ट का नाम है तो हमने लिखा सेलेक्ट प्राइस कॉमर्स क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट ठीक है वेयर नेम इक्वल टू लैपटॉप दे दिया उसके बाद कहता है डिस्प्ले नेम एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट क्वानिटी तो पी नेम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट सेलेक्ट लगेगा वेयर प्राइस ग्रेटर देन फाइव थाउजेंड कुछ विजुअली इंपेयर्ड के लिए क्वेश्चन रहता है तो मैंने उसका भी सोल्यूशन बना दिया है इन कॉन्टेस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइटर शॉर्ट नोट्स डेटाबेस क्या होता है टेबल क्या होता है फील्ड क्या होता है तो डेटाबेस इज एड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा यू कैन विजुलाइज इट एज ए कंटेनर ऑफ इफॉर्मेशन टेबल क्या होता है टेबल इज द सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स वैल्यू दैट इज ऑर्गेनाइज यूजिंग अ मॉडल और वर्टिकल कॉलम्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेम एंड अ टेबल हैज डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज फील्ड क्या होता है अ फील्ड इज अ कॉलम फील्ड क्या है इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर सिंपल टाइप वन फॉर इच रो ऑफ द टेबल द कॉलम्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच द रोज आर कंपोज फॉर एक्जाम्पल्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सेट्रा ये फील्ड होते हैं कंपोजिट प्राइमरी की क्या होते हैं वेन प्राइमरी की कॉन्स्टेंट इज अप्लाइड वन वन और मोर कॉलम्स दैन इट इज नोन एज द कंपोजिट प्राइमरी की जब प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स हम ये दो या दो से अधिक कॉलम अप्लाई करते हैं यानी कि मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके प्राइमरी बनाएंगे तो उसे हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं तो ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ़ आईटी आई होप सो कि आपने काफ़ी अच्छा एग्जाम दिया होगा और आपने इस आंसर को देख के आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया होगा आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले टाटा बाय बाय थैंक यू टेक केयर